जालौन में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आने से जिले में हड़कंप मच गया, जिसमें वहीं दो युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पूरा मामला उरई कोतवाली के नगर उरई का है, जहाँ पर देर रात कक्षा 12 की एक छात्रा अपनी बीमार को देखने अस्पताल जा रही थी, तभी रास्ते में दो लड़कों ने उसको रोक लिया और वहीं पास में ले जाकर बलात्कारी घटना को अंजाम दे डाला। वहीं लड़की को छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब लड़की अपने परिजनों के पास पहुंची तो उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। वहीं बता दें आनन फानन ने पुलिस को जानकारी दी गई, तो वहीं बताते चले कि लड़की की निशानदेही पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हॉस्पिटल के रास्ते से वापस आ रही थी, अपनी माँ को देखने गई थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाई। बीच में बता रही है कि मैं बीच में लौट आई थी, हॉस्पिटल के रास्ते से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में से रोक के साइड में वो लड़के ले गए दोनों और इसके साथ में घटना की है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसमें जो लड़की नाबालिग है, लड़की की एज 18 साल से कम है, पॉक्सो एक्ट लगा है और इसमें जुडिशरी से भी माननीय जिला जज महोदय से अनुरोध किया जाएगा कि इसमें जल्दी से जल्दी कठोर सजा दी जाए। सर, गैंगरेप का मामला, क्या पूरा मामला है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, थाना कोतवाली उरई में कल एक शख्स द्वारा तहरीर दी गई है थाने पे कि 14-15 की रात्रि को उसकी पत्नी बीमार थी, वो अपनी पत्नी को लेके हॉस्पिटल गया था, उसकी बेटी हॉस्पिटल में उनके पीछे पीछे गई, रास्ते में दो लड़कों ने रोक के उसके साथ में बलात्कार की घटना की है। इस पर FIR दर्ज कर लिया गया है, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जिन अभियुक्तों को लड़की ने बताया है उन अभियुक्तों को, दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लड़की की छात्रा है या कितनी उम्र है? जी, लड़की के गार्जियंस ने, लड़की ने बताया कि वो 12th क्लास में यहीं पर पढ़ती है, उड़ई क्षेत्र में पढ़ती है।